राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस सरकार के ट्रबल शूटर रहे मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा चुनावी साल में ट्रबल मेकर के रोल में आ गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विधानसभा में लाल डायरी ले रहाकर गुड्डा ने यूथ वोटर्स को खुश करने के साथ साथ समाज के कई तबकों को साधने का प्रयास किया है। राजेंद्र सिंह गुड्डा ने भास्कर से बातचीत में कहा कि अजमेर सेक्स स्कैंडल के विलन गहलोत सरकार में है, इनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। पायलट को लेकर गुड्डा ने कहा, पायलट साहब 5 साल बीजेपी से लड़ते रहे और कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने भी उनको विपक्ष मान लिया। अब एक आदमी की कैपेसिटी है, वे कितने साल लड़े, 10 साल से तो लड़ रहा है। मैं कभी उम्मीद भी नहीं करता कि वे मेरी मदद करेंगे या मेरे लिए बोलेंगे। गुड्डा ने खुद पर चल रहे मुकदमे में FIR लगाने या गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा, मेरे खिलाफ मुकदमा लगाया था, मैं तो कहता हूँ या तो उस मुकदमे में FIR लगाओ, नहीं तो लगाते हो तो मुझे अरेस्ट करके जेल भेजो। लाल डायरी उस समय लाए थे जब CM के नजदीकी धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। उस दिन मुख्यमंत्री ने जो शब्द कहे थे वे मैं कह नहीं सकता। गहलोत उस समय इतने भावुक हो गए थे, उन्होंने कहा कि कैसे भी करके वे लाल डायरी लाइए। छापे के दौरान कम से कम 150 CRPF के जवान थे। उस हालत में हम अपार्टमेंट में डायरी लेकर आए थे। विधानसभा में लाठीचार्ज भी हुआ। 9वीं मंजिल पर हम थे और उस डायरी को हमने निकाला। उसका कुछ हिस्सा जल गया, कुछ बच गया और कुछ विधानसभा में मंत्री विधायकों ने छीन लिया। गुड्डा ने कहा कि अब मैं फील्ड पर उतरकर रात दिन मेहनत करूंगा, तभी सफलता मिलेगी। कहा, लाल डायरी में एक एक लेनदेन का हिसाब है। शांति धारीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर आपने पूरा षड्यंत्र किया है। 150-200 जवानों के बीच कोई कैसे डायरी लेकर आ सकता है। जिस दिन छापा पड़ा था उस दिन न्यूज भी चली थी। मेरे साथ में धीरज गुज्जर और रामलाल जाट भी थे, वहाँ लाठीचार्ज हुआ था। वो बात कोई नहीं से छिपी हुई है क्या? धारीवाल जी तो पता नहीं कौन सा आटा खाते हैं। प्रदेश में जब 10-10 5-5 साल की बच्चियों से रेप होते हैं तो वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए हो रहा है। वो तो ऐसे मर्द आदमी है, 10 साल की बच्ची को महिलाओं को अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, ऐसे आदमी के बारे में क्या कहा जाए। ने गहलोत का साथ देने में कमी नहीं रखी, लेकिन बदले में मेरे साथ क्या हुआ? मुझ पर अपहरण का झूठा मुकदमा तक करवाया। एक गरीब महिला मुझसे मदद मांगने आई, एक आदमी उसका पैसा नहीं दे रहा था। उसकी बच्चियों की शादी के 10 दिन बचे थे, वे महिला सुसाइड करने वाली थी। मैंने अपनी जेब से उसे 384,000 रुपए देकर बच्चियों की शादी करवाई थी। उसमें गहलोत साहब ने अपहरण और मारपीट का मुकदमा लगवाया। क्यों लगवाया? मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा था। जो भी चीजें आ रही थी मुकदमे का, जेल का डर दिखाकर, दूसरी चीजें दिखाकर जो भी कर सकते थे कह रहे थे। अब लास्ट में उन्होंने बर्खास्त कर दिया। ऐसा मैंने क्या कर दिया? इन लोगों की वजह से मैं राजनीति में हूँ। जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उनके बीच में जाऊँगा और उनसे ही पूछूंगा कि आगे क्या करना है। लोग जो कहेंगे वो मैं करूँगा। मैं जिससे भी मिल लेता हूँ लोग अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। पिछले दिनों ओवैसी साहब से मिला था तो लोगों ने चर्चाएं चला दी। ओवैसी साहब पढ़े लिखे नेता है, अच्छे सांसद है, अच्छे के साथ भी सारी बातें मैं सदन में रख रहा था, आपके सामने भी रख रहा था। मुझे अगर विधानसभा में डायरी टेबल करने का मौका मिलता तो बताता किस किस नेता को क्या क्या मिला, किसके जरिए मिला। कोई एक नंबर में चेक से थोड़े ही पैसे दिए थे, सारी चीजें थी, एक एक बात लेन देन का ब्यौरा था। जब उन्हें लगा कि सारी चीजें बाहर आ रही है तभी तो उन्होंने डायरी को छीन लिया, जिनके बारे में उन्होंने लिखा था, चोर को कभी भी लाइट अच्छी नहीं लगती है, चोर को अंधेरा अच्छा लगता है। राजस्थान आज महिलाओं से दुष्कर्म में नंबर 1 पर आ गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारा नार्को टेस्ट करवाइए आप। दुष्कर्म के मामलों में जेल में बंद लोग तो कुछ भी नहीं है, हमारे मंत्री परिषद के साथियों का पता लग जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।